तो दुनिया का सातवां नहीं आठवां जुआ है। उड़ान भरने के लिए एकदम तत्पर है, तैयार है। अभी हम समस्तीपुर जिला में मोदी नगर स्थित उत्कर्मित मध्य विद्यालय शिवा सिंहपुर में आए हैं और इस विद्यालय में एक बहुत ही अनोखा एक चीज़ बनाया गया है, हवाई जहाज़, और इसका नाम शिक्षा उड़ान दिया गया है। और हम आपको बताएंगे ये क्यों बनाया गया है। ये एक लाइब्रेरी है, इसके अंदर बच्चे किताब पढ़ेंगे बैठकर, और इसके अंदर हम आपको दिखाते हैं, चलिए किस तरह से बनाया गया है। इसके अंदर का ये जो देख सकते हैं, सेम टू सेम इसको एक हवाई जहाज़ का रूप दिया गया है, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे उसको कंट्रोल करने के क्या ये है। और इधर देख सकते हैं पुस्तकालय यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये हवाई जहाज़ के खिड़की के जैसा बिल्कुल यहाँ पे ये बनाया गया है। और अंदर लाइट उट भी बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको सजाया गया है, और इसमें बच्चे बैठकर पढ़ेंगे। कहाँ से आए हैं आप? हम महनार वैशाली से आए हैं। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे ये बना है? हम फेसबुक पर देखे थे कि यह जो हवाई जहाज़ बना हुआ है सिमैसीपुर में, तो हम देखने के लिए आए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस? ये बहुत अच्छा पहल है बच्चों के लिए, बच्चा लोग है जो इसको देखकर आएगा, पढ़ेगा और शिक्षा प्राप्त करेगा, ये अच्छी पहल है। क्या नाम है मैम आपका? बबीना कुमारी। आप इस स्कूल के शिक्षक शिक्षिका हैं? जी जी। क्या मतलब इस ये कब बनाया गया है? ये इसी साल बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? बनाया गया, इसमें पुस्तकालय बनेगा, बच्चे इसमें बैठकर पढ़ाई करेंगे, सब बैठकर पढ़ाई करने से उनको मने मनोबल बढ़ेगा। इस स्कूल में अभी कितने स्टूडेंट्स हैं? अभी 1000 से 1000 ऊपर है। 1000 डेली कितने बच्चे आते हैं? आ ही जाते हैं, लगभग थोड़ा हमारा कम आते हैं, लेकिन आ जाते हैं बच्चे। और भी हम कुछ लोगों से बात करते हैं जो इस स्कूल में बने हवाई जहाज शिक्षा उड़ान को देखने के लिए आए हैं। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं इंदौर एमपी से आया हूँ। अच्छा, इस इंदौर एमपी से आप यहाँ पे आए हैं इस शिक्षा उड़ान नामक लाइब्रेरी को देखने, क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने इसकी पोस्ट 5 तारीख को देखी थी। आपको फेसबुक के माध्यम से? फेसबुक के माध्यम से मुझे 5 तारीख को देखा मैंने इस पोस्ट को, जो कि मेरे दादाजी का गांव हुआ ये मेसीपुर, और तो मैंने सोचा कि इसको देखना चाहिए, चल के देखना चाहिए, तो मैं लाइव इसको देखने के लिए आया हूँ, यहाँ के विकास को देखने आया हूँ। और इसको देख के ये लग रहा है जैसे कि यहाँ पूरे भारत देश में सरकारी स्कूल में ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत अनोखा और बहुत नया कॉन्सेप्ट है, और बहुत अलग कॉन्सेप्ट है। इसको देख के दूसरे भी सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक कुछ सीखने को मिलेगा, और ये वाकई में बहुत अलग पहल है, बोलूँ दुनिया का सातवां नहीं आठवां जुआ है अगर देखा जाए तो, ये इतना अच्छा है। और जैसा कि हमें मालूम चला कि ये प्रिंसिपल खुद अपने पैसों से बनवाए हैं। हाँ सर, ये मुझे भी अभी मालूम पड़ा, यहाँ के मेरे अंकल हैं दीपक जायसवाल जी, उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने 3-4 लाख रुपए की लागत से खुद ही डेवलप किया है, ये बहुत अपने आप में गर्व वाली बात है। और इसको देखने के लिए आप इंदौर से चल कर क्या है, ये भी बहुत, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैंने इस चीज़ को देखा, और वहाँ भी जाके उनको किसी को बताऊंगा कि भैया यहाँ पे गांव रह के, मतलब एक बिहार के एक छोटे से गांव में ये चीज़ हो रही है, तो बहुत बड़ी बात है। अभी जब हम आए तो इस गांव में, इस गांव उतना डेवलप नहीं है, हम देखे आए रास्ता पे भी वहाँ सामने पानी लगा हुआ है। जी जी। तो आपको क्या लगता है, इस जगह को और कुछ सुविधा देनी चाहिए सरकार? हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ को देख के अगर आपके मीडिया वालों के यहाँ पे होके ये चीज़ अगर आप लोग अपनी बात रखेंगे, शायद इस गाँव का और इस रोड का और इस जगह का विकास होगा। विकास होना भी चाहिए, और होना भी चाहिए। इस आपको क्या लगता है, इस पर बिहार सरकार को जल्द से जल्द ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, नीतीश कुमार जी को इस पर बहुत जल्दी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये गांव अब वो गांव नहीं रहा, ये अपग्रेड गांव मैंने बोल सकते हैं समेसीपुर को, और ये अपग्रेड ही है एक तरीके से, ये शिक्षा उड़ान जो है आप अंदर से भी देखे होंगे बहुत खूबसूरत है, ये पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि ये ऐसा होगा, और ये वाकई में बहुत अलग है। इसके बाद जो भी आप देख रहे हैं, जो भी चित्र देख रहे हैं, या जो भी कुछ लिखा हुआ डिज़ाइन किया हुआ है, वो मेरा किया हुआ है। मेरा नाम अमर प्रकाश है और मैं प्रकाश आर्ट्स के नाम से जाना जाता हूँ, लोग मुझे प्रकाश आर्ट के नाम से जानते हैं। आप कितने लोगों के साथ मिलकर मतलब पेंटिंग किए हैं? यहाँ पे तो 3-4 लोग हैं, जिसमें सोमनाथ जी हैं, बसंत जी हैं,
और मैं हूँ, और एक जो खासकर इन्होंने बनाया है, इसका ढांचा तैयार किया है, सुनील जी हैं वो। और आप तो जानते ही हैं कि हमारे सर मेघन सर हैं, हाँ, जिनकी प्रेरणा मिली मुझे, जिनसे प्रेरणा मिली और जिनके कॉन्सेप्ट को हमने इस पर उतारा है। ये मेरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, एक सौभाग्य है मेरा कि मुझे ये करने का मौका मिला, पेंटिंग आपको करने का मौका, हाँ, मिला, अवसर मिला। आप कितना, आपको कैसा लगा जब आपको पता चला कि हमको एक फ्लाइट पेंटिंग करना है? दरअसल इसके बारे में मुझे 3 साल पहले जानकारी थी। हुआ यूँ कि जब मैं बना रहा था वो ट्रेन वाला, तो उस समय में सर बता रहे थे कि सर ये प्रकाश जी ये इसको हवाई जहाज़ को बनाना है यहाँ पे, तो हवाई जहाज़ बनाना है तो फिर कैसे बनेगा, दीवार पे बनाना है फिर कैसे होगा। तो मैंने कहा कि सर दीवार पे थोड़ा सा लगता है कि कैसे हो पाएगा, तो इसके लिए थोड़ा सा वक्त दीजिए, सोच समझ कर बनाया जाएगा। तो मैं क्या सोचता, उन्होंने ही सोच लिया, क्योंकि बच्चे जो है उन्हें कह रहे थे कि सर सभी जगहों पे तो ट्रेन है, अपने यहाँ जो है मतलब हवाई जहाज़ होना चाहिए। और आज आप देख रहे हैं कि हवाई जहाज़ का जो संकल्पना थी हवाई जहाज़ की, वो उन्होंने साकार कर दिखाया है इस उत्क्रमित मध्य विद्यालय के छत पे। तो ये और इस तरह से बच्चे इसमें बैठ कर के शिक्षा का उड़ान भर रहे हैं, और यहाँ पे तरह तरह की तैयारियाँ कराई जाती है, जो प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं उसकी तैयारी कराई जाती है। जैसे कि अभी मेधा छात्रवृत्ति में बहुत सारे बच्चे 2019 से लेकर 21 तक लगभग दर्जनों बच्चे यहाँ पे मतलब पास आउट हुए हैं यहाँ से, और बहुत अच्छा अचीवमेंट है। इस बार भी बहुत सारे बच्चे फॉर्म फिलअप किए हैं, रजिस्ट्रेशन करवाया है, और इस बार भी उम्मीद है कि मतलब बहुत अच्छा यहाँ पे रिजल्ट आएगा। तो आप इतना पेंटिंग बनाए हैं, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा खुशी कौन सा पेंटिंग बनाने के बाद हुआ? देखिए आप तो देख रहे हैं कि एकदम मैं क्या पूरा, मैं समझता हूँ कि पूरा भारत या कहें तो वर्ल्ड में भी जा चुका है। इस स्कूल पर गर्व महसूस कर रहा है, ऐसा स्कूल शायद भारत में कोई नहीं, भारत में ही नहीं, मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड में नहीं है, क्योंकि स्कूल का, स्कूल को ये मतलब हवाई जहाज का शक्ल देना, ये मुझे नहीं लगता है। नहीं, नहीं, हवाई नीचे ट्रेन और ऊपर हवाई जहाज, हवाई जहाज, हाँ, दोनों नीचे ट्रेन और ऊपर छत में हवाई जहाज, हाँ, तो ये उड़ान भरने के लिए एकदम तत्पर है, तैयार है, और एकदम पंख लगा इसमें पढ़ के एकदम उड़ान भरेगा। बिल्कुल, ये हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुआ ये जान के कि इसका पेंटिंग आपकी है, और आपसे बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। धन्यवाद जी, थैंक यू।